हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 6A वर्ड प्रॉब्लम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1A पार्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 14 एंड 21 लीव्स नो रिमाइंडर। इट मींस हमें क्या करना है, फाइंड करना है वो स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड होता हो किससे, 14 से एंड 21 से, लेकिन कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता। ठीक है, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर आएगा तो आपने क्या फाइंड करना है, LCM। ओके, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपने क्या फाइंड करना है, LCM। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, 14 एंड 21। हमने 14 एंड 21 का क्या लेना है, एलसीएम। 14 एंड 21, सो सबसे पहले क्या लेते हैं, यहाँ पे हम प्राइम नंबर लेते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट जो इनमें से किसी एक नंबर को, एटलीस्ट एक नंबर को जरूर डिवाइड करें। तो हमारे पास लेते हैं 2, क्योंकि 14 को डिवाइड करता है 2, तो 2 7 14, 21 एज इट इज़। ओके, नाउ उसके बाद हम लेते हैं 3 7 एस इट इज, 3 7 20 1। ओके, तो नाउ 7 7 बंदा 7 बंदा, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 14 एंड 21 का 2 × 7 × 3। ठीक है, 2 × 3 = 6 6 7 = 42। तो इट मींस 42 इज द स्मॉलेस्ट, हमारे पास 42 क्या आया, स्मॉलेस्ट नंबर आया है जो डिवाइड होता है बाय किससे, 14 से एंड 21 से, लेकिन कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता। ठीक है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर नंबर इज 42। ये आपका क्या आ गया, आंसर। ओके, नाउ बी पार्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डैट इज डिविजिबल बाई 27 एंड 36। अब वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड होता हो किससे, 27 से भी एंड 36 से भी। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना तो हम क्या फाइंड करेंगे, LCM। सॉल्यूशन, LCM स्टार्ट करते हैं। इसका लेना हमें क्या, गिवन क्या है हमें, गिवन है 27 एंड 36। तो स्मॉलेस्ट लेंगे पहले 2 से, 27 एस इट इज, और 36 इसमें जाता है, 2 × 2 = 16। ओके, नाउ अगेन फिर 2 पे 27 2 9 = 18। फिर 3 पे, क्योंकि 3 पे 27 3 के टेबल पे भी आता है एंड 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 9 = 27, 3 3 = 9। अगेन हम किससे लेंगे, 3 से, 3 3 = 9 एंड देन 1, फिर अगेन 3 से 1 एंड 1। तो एलसीएम ऑफ 27 एंड 36 क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ओके, तो 2 × 4 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36 × 3। ओके, तो दैट इज 108, आपका आंसर क्या आएगा, 108। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 108, ये आपका क्या आ गया, आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डैट इज डिविजिबल बाय 4, 8, 12। ये भी सेम ऐसे करना है हमने जैसे फर्स्ट किया है। फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो डैट इज डिविजिबल होता हो किससे, 4 से 8 से एंड 12 से। तो एलसीएम लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो किसका, हमें गिवन क्या है, 4, 8 एंड 12। 4, 8 एंड 12 इनका एलसीएम। तो लीस्ट कॉमन एंड प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, अगेन 2 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 4, 2 × 3 = 6, नाउ अगेन 2, क्योंकि हमें लास्ट में 1 लेके आना है हर जगह पे, 1 2 2 2 × 2, देन 3 एस इट इज। अब हम किसे करेंगे डिवाइड, 3 से, 3 1 एंड
वन. ओके, तो ये हमारे फैक्टर्स निकल गए. तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ यहाँ लिख लेते हैं, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 4, 8 and 12 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3. टू टू द 4, 4 टू द 8, 8 थ्री द 24. दैट इज आंसर क्या है हमारे पास, 24. तो डियर फोर द रिक्वायर्ड नंबर इज 24. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd ए पार्ट. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डैट लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 36 and 54. ठीक है, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड होता है किससे, 36 से और 54 से, लेकिन वो क्या करता है, 5 रिमाइंडर छोड़ता है. ठीक है, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है. तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने हम एलसीएम लेंगे. ठीक है, एलसीएम किसका लेंगे, पहले 36 and 54 का. नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd, गिवन हमें क्या है, 36 and 54, इनका एलसीएम लेते हैं, 36 and 54. सो 2 के डिवाइड करते हैं, 2 18 द 36 and 2 27 द 54. नाउ अगेन 2 पे 2 9 द 18 then 27 एस इट इज. फिर 3 पे 3 3 द 9 3 9 द 27. फिर अगेन 3 पे 3 1 द 3 3 3 द 9. अगेन 3 पे 1 and 1. ओके, नाउ एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम ऑफ 36 and 54 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 3. दैट इज 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36, 36 3 the 108. ठीक है, नाउ हमें आगे क्या गिवन है, हमें बताना है, बताया गया इसमें कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, डैट लीव्स 5 रिमाइंडर भी छोड़े. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आया हुआ है उसमें हम 5 को ऐड करेंगे. तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 108 है. 108 में प्लस कर देंगे 5 को, डैट इज़ 113. इट मीन्स 113 वो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है जो लीव दैट लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 36 and 54. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd बी पार्ट. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन विच व्हेन रिड्यूस्ड बाय 2 बिकम्स डिविजिबल बाय 28, 48 and 64. इसका मतलब ये यही है जो ऊपर दिया हुआ है कि फाइंड करेंगे वो स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन जब रिड्यूस्ड होता है बाय 2. ठीक है ना, मतलब लीव छोड़ देगा, बिकम्स डिविजिबल होगा किससे, 24, 48 and 64 से. ठीक है, तो हमारे पास जब भी स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम. सो क्वेश्चन नंबर 3rd का बी पार्ट, फाइंड द एलसीएम 24, 48 and 62. सॉल्यूशन हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, एलसीएम किसका, 24 का, 48 and 64. ठीक है, तो 2 की टेबल में 2 12 the 2 24 32. अगेन 2 6 12 and 16. अगेन 2. ठीक है, 2 3 the 6, 2 4 the 12, 2 8 the 16. नाउ अगेन 2, क्योंकि 4 and 8 है तो 3, 2 2 the 4, 2 4 the 8. अगेन 2 आएगा, 3 1 and 2. नाउ फिर 2 पे लेते हैं, 3 1 and 2 1 the 2. अब 3 पे 3 1 1 and 1. ओके, नाउ एलसीएम ऑफ 24, 48 and 64 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 2 3 4 5 6 × 3.
So 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 6, sorry, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 को मल्टीप्लाई 2 से डेट इज 64, एंड 64 को जब मल्टीप्लाई करोगे 3 से डेट इज 192. ओके, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर हमें बताया हुआ है, इसमें रिड्यूस्ड भी किया है बाय 2, मतलब 2 है जो हमारे पास रिड्यूस किया, तो हम क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे. द रिक्वायर्ड नंबर इज 192 प्लस 2 डैट इज 194. ये आपका क्या आ गया आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स दैट कैन बी अरेंज इन रो ऑफ 9 और 15. हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स बतानी है जिसको हम अरेंज कर सके 9 की रोज में और 15 की रो में. ओके, नाउ हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. सो स्टार्ट करते हैं. जब भी हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आएगा तो आपको याद रखना हमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो किसका लेना है हमने एलसीएम, 9 एंड 15 का. ठीक है, तो 9 एंड 15 किससे, 3 पे, 3 3 द 9, 3 5 द 15, अगेन 3 पे, 3 1 द 3, 5 एज इट इज, अगेन 5 पे, 1 एंड 1. ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 9 एंड देयरफॉर एलसीएम ऑफ 9 एंड 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 द 9, 9 5 द 45. इट मीन्स 45 हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो इधर एलसीएम ऑफ 9 एंड 5 का 3 मल्टीप्लाई 5. ठीक है, तो डैट इज 45. तो 45 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स है जो डैट कैन बी अरेंज कर सकते हैं बाय उसको इन द रो ऑफ किसमें, 9 और 15 के. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स that can be arranged in rows of 9 or 15 is 45. Okay.